नमस्कार बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग एक और इसमें जो पहली कविता है उसका नाम है वह चिड़िया जो। आपने यह कविता पढ़ी और समझी। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में इसी कविता को दोबारा से दोहराएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इस कविता के कवि के बारे में। और कविता का नाम है वह चिड़िया जो, और कवि कौन है इस कविता के? केदारनाथ अग्रवाल। क्या नाम है बच्चों कवि का? केदारनाथ अग्रवाल। अब आपने यह कविता पढ़ी होगी, इसमें कुछ ऐसे नए शब्द आए होंगे जिनका अर्थ आपने समझा होगा, जाना होगा। तो पहले उन्हीं शब्दार्थ को हम एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। तो आप देखिए, एक शब्द आया है जुंडी। जुंडी का अर्थ होता है जो बाजरे की बालियां, जैसे अभी जो समय है आप देखोगे खेतों में गेहूं की बालियां पकी हुई है, इसी प्रकार जो अनाज होते हैं मोटे अनाज, जो बाजरा आदि, उनकी जो बालियां होती हैं उन्हें हम जुंडी बोलते हैं, जिन्हें चिड़िया बड़े रस से अर्थात बड़ा मजा लेकर बड़ी रुचि से खा लेती है। उसके बाद है कंठ। कंठ का अर्थ होता है गला। रस, रस का अर्थ यूं तो देखो बच्चों गन्ने का रस या किसी और अन्य फल का रस भी होता है, लेकिन यदि हम साहित्य में देखें तो रस का अर्थ होता है किसी काव्य पंक्ति को पढ़कर जो हमें मजा आता है उसे भी हम रस कहते हैं। अर्थात रस का अर्थ हो गया सार या मजा या आनंद। तो यहां पर यदि हम कविता के हिसाब से देखें तो रस का अर्थ हो गया मजा या आनंद से। उसके बाद देखिए विजन। कविता में शब्द आया है विजन। विजन का अर्थ होता है एकांत स्थान, एकांत स्थल जहां कोई भी जन ना हो, अर्थात निर्जन एकांत जगह जो होती है उसे हम विजन बोलते हैं। इसके बाद एक जो अन्य शब्द आया है गर्वीली। यह कविता में इस प्रकार लिखा गया है, वैसे गर्वीली होता है जो सही मानक रूप में, जिसका अर्थ होता है गर्व करने वाली। जो चिड़िया थी वह स्वयं पर गर्व करने वाली थी। अब हम इस कविता के बारे में देखते हैं कि जो कविता में एक छोटी चिड़िया की चर्चा की गई है जिसके पंख नीले हैं, उसके पंखों का रंग कैसा है? नीला है। और वह बहुत संतोषी चिड़िया उसे कहा गया है। यदि हम कहें एक पीछे उसको गर्वीली चिड़िया कहा गया है, छोटी चिड़िया कहा गया है, अतः ये संतोषी छोटी गर्वीली ये चिड़िया के लिए क्या है? विशेषण लगाए गए हैं, चिड़िया की विशेषता बता रही हैं। और ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अतः यदि हम कहें कि चिड़िया के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है इस कविता में, तो आप कहेंगे छोटी संतोषी गर्वीली। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि चिड़िया यहां पर कई जगह पर आपको बताया गया है कि चिड़िया को किस किस से प्यार है। जो पहला आपका स्टैंजा है, पहला ये काव्यांश है, इसमें आपको दिया है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी कि चिड़िया को अनाज से अन्न से प्यार है। जो अगला स्टैंजा है उसमें उसने कहा है मुझे विजन से बहुत प्यार है। और जो आखिरी पंक्ति है उसमें देखो मुझे नदी से बहुत प्यार है। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए, प्रश्न किया जाए कि चिड़िया को किन किन से किन किन चीजों से प्यार है, तो क्या होगा उत्तर? कि चिड़िया को अन्न विजन और नदी से प्यार है। अब बच्चों कई बच्चों ने मुझे फोन किया या मेरे पास मैसेज किया कि मैम हमने इसके जो प्रश्न उत्तर है वे हल नहीं किए हैं। तो बच्चों इस कविता में हम उन प्रश्नों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, उनको भी दोहरा लेते हैं। तो आप अपना जो कविता एक का प्रश्न एक है कविता से, उसे आप देखेंगे कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाइए। यह आपके लिए एक एक्टिविटी है, बनानी है आपको उस चिड़िया का चित्र, जो कविता के पढ़ने के बाद आपके मन में जो भी उस चिड़िया का चित्र उभरता है
वह आप इसमें बनाएंगे। और जो अगला प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहिए? ठीक है, शीर्षक का अर्थ होता है हेडिंग। जैसे इस जो कविता का शीर्षक क्या दिया गया है, वह चिड़िया जो, ठीक है, तो इस कविता में चिड़िया अपने मन की बात बताती है, तो कोई आप यदि कोई अन्य शीर्षक आप सुझाना चाहें तो आप अन्य शीर्षक बता सकते हैं कि चिड़िया का मन या चिड़िया जैसा मेरा मन, ठीक है, इस प्रकार का कोई अन्य शीर्षक आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने मर्जी से। अब जो प्रश्न तीन है वह है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। और इसका उत्तर अभी हमने कुछ देर पहले ही जान लिया कि चिड़िया को अन्न, विजन और नदी से प्यार है। अब हम चलते हैं प्रश्न चार की ओर, आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो का अर्थ होता है कि अर्थ बताइए, क्या भावार्थ है इस पंक्ति में। पहली पंक्ति है, रस उडेल कर गा लेती है, अर्थात रस उडेलना मतलब कि जो चिड़िया है वह बहुत मीठे स्वर में गा लेती है, गाना गाती है। तो आशय अर्थ क्या हुआ कि चिड़िया मीठे स्वर में गाना गाती है। जो अन्य पंक्ति है, ख भाग में देखिए, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। अब आपने जब अंतिम ये काव्यांश पढ़ा होगा, इसमें भी देखा था कि जो चिड़िया है वह इतनी बहादुर है कि जो चढ़ी नदी अर्थात जो बहुत तेजी से बहती हुई नदी है उसमें भी वह अपनी चोंच मारकर अपनी चोंच में जो जल रूपी मोती है उसे वह उठा ले जाती है। तो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, अर्थात उफनती हुई नदी में भी अपनी चोंच में वह जल की बूंद को लेकर उड़ जाती है। इस पंक्ति का अर्थ यह हुआ। तो अब मैं समझती हूँ आपको कविता समझ आ गई होगी और आपकी कक्षा परीक्षा भी है इसी कविता में से है। यदि आपको फिर भी कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और परीक्षा कक्षा परीक्षा के बाद मैं उस परीक्षा का हल अर्थात उसकी की भी भेजूंगी और जिसमें से आप अपने उत्तर मिलान कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने टेस्ट को मेरे नंबर पर भेजेंगे, लेकिन उससे पहले टेस्ट के ऊपर अपना नाम और अपनी कक्षा और सेक्शन अवश्य लिखें। आज के लिए बस।